डैड बहुत भूख लगी है। ओके चलो हॉट डॉग दिलवाता हूँ। हे आइवन, हैरल्ड, एक हॉट डॉग मिलेगा? नहीं रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मुझे वो चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नौकरी मिल जाने के बाद वादा करता हूँ तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ओके ओके। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से ले लो। नहीं पिछली बार भी तुमने दिया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, मैं तुमसे दोबारा नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, चाहे मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं है लेकिन ये भूखे होने से ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। ये लो, शर्माओ मत, ले लो। तुम्हारा शुक्रिया आइवन, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? आज जियोवानी में मेरा इंटरव्यू है, नौकरी मिलते ही सारे पैसे चुका दूंगा। जियोवानी, वो तो इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, गुड लक। जब तक तुम्हारा इंटरव्यू हो नहीं जाता तुम चाहो तो रूबेन को मेरे पास छोड़ सकते हो। तुम बेस्ट हो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? ओके, गुड लक। थैंक्स। आओ बैठो। ओह माफ कीजिए सर, हम लोगों को ऐसे अलाउ नहीं करते। दरअसल मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ, जियोवानी मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बता देंगे? ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है? मैं अभी आया। ओके ओके, आई एम सॉरी, तुम कौन हो? तुम जानते हो ना हम बेघर लोगों को अंदर नहीं आने देते। मैंने इनसे कहा था लेकिन इन्होंने कहा कि आज इनका इंटरव्यू है। नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए जिसका इंतजार है वो कभी किचलिन स्टार रेस्टोरेंट चलाया करता था। जी सर, वो मैं ही हूँ, वो रेस्टोरेंट मैं ही चलाया करता था। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुम रेस्टोरेंट चलाया करते थे, बहुत बढ़िया, इसे यहाँ से निकालोगे प्लीज? सर देखिए, ये मेरा रेज्यूमे है, मैंने अपनी सारी जिंदगी किचन में ही बिताया है। अपनी बीवी के गुजरने के बाद मैं थोड़ा मुश्किल में आ गया और इसीलिए ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो। क्या यकीन नहीं होता कि तुम ये सब कर रहे हो? तुम नकली रेज्यूमे बनाकर लाए हो, एक नकली कहानी सुना रहे हो ताकि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ और मैं तुम्हें किसी और को बेवकूफ बनाने भी नहीं दूंगा, समझे? नहीं सर प्लीज प्लीज, मैं तो बस अपने बेटे का पेट भरना चाहता हूँ। जरा अपने आसपास देखो, मेरा रेस्टोरेंट कितना बिजी है, यहाँ टेबल बुक करने के लिए कई हफ्ते लगते हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? हरगिज नहीं। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। जाओ, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है। और फिर ऐसा हुआ? क्या आपको नौकरी मिली? नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास इतना तजुर्बा है, उन्होंने तुम्हें रखा क्यों नहीं? बस ये समझ लो कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा इंटरव्यू खत्म हो गया। देखो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा उधार नहीं चुकाऊंगा। हैरल्ड, हैरल्ड, उस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आइवन, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आ बेटा चले। लेकिन डैड आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। रुको सुनो, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो? लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है, मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता। देखो मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता लेकिन अगर मैं हर हॉट डॉग की बिक्री पर 20% दूं तो कैसा रहेगा? ज्यादा तो नहीं है पर कुछ तो होगा। सच में तुम ये करना चाहते हो? हाँ, और एक बात कहूं, साइनिंग बोनस के तौर पर तुम ये हॉट डॉग खा सकते हो। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू आइवन, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मुझे तुम पर भरोसा है। ये बढ़िया है, लेकिन मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे ये और भी बढ़िया बन सकते हैं, इजाजत है? हाँ बिल्कुल।
इसमें डाल सकते हैं प्याज, काली मिर्च, एलपिनियोस, मेयोनेज। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, ये मत कहना कि तुमने इसे रख लिया है। हाँ बिल्कुल रखा है, ये मेरे स्टॉल को चलाने में मदद करेगा। इसका मतलब है पहले से डूब रहे जहाज में और पानी डालना। गुड लक। एक और बात, ये रखो, जब तुम्हारा ये बिजनेस डूब जाए, जो कि होना ही है, तो अपने बचे हुए कस्टमर्स को मेरे पास भेज देना जियोवानी पर। ओके, मैं इसे यहाँ छोड़ जाता हूँ। गुड डे दोस्तों। क्या आदमी है यार, किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। देखो अगर तुम्हारा इरादा बदल गया। नहीं 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 नहीं, मेरा इरादा पक्का है। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू, इसे फिर से पहन के अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या है? उसे उसके किए का फल जरूर मिलना चाहिए। उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आइवन के इस छोटे से हॉट डॉग स्टैंड को कामयाब बनाने के लिए हेरल्ड में जोश की कमी नहीं थी। किचन में सालों काम करने के अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उसने नई नई टॉपिंग्स के साथ अपनी स्टाइल में हॉट डॉग बनाना शुरू कर दिया। जब उसका बेटा वो खाता था तो वो इसके टेस्ट से हैरान रह जाता था। फिर हेरल्ड ने मेन्यू में और भी बहुत सारी आइटम्स शामिल कर ली, जिनमें भुट्टे, बर्गर और सॉसेजेस शामिल थे। थोड़े ही वक्त में उसके नए फूड को चखने के लिए ग्राहक लाइन लगाकर उसके पास आने लगे और धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। जैसे जैसे हॉट डॉग स्टैंड पर नए नए खाने की खबर शहर में फैली, और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे जो हेरल्ड का खाना खाने के लिए उतावले थे। इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड को चलाने वाले शख्स की एक बेघर इंसान से शानदार शेफ बनने के सफर की कहानी को कवर करने एक न्यूज रिपोर्टर भी आ पहुंची। फिर क्या था, वो स्टोरी वायरल हो गई, जिससे और भी ज्यादा ग्राहक हॉट डॉग स्टैंड पर जुटने लगे। और फिर एक दिन जियोवानी भी उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा। यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इतनी लंबी लाइन क्यों है? ओह, आपने सुना नहीं क्या, वो आदमी बेघर हुआ करता था, अब वो इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड का मालिक है। कमाल का टेस्ट है, बहुत ही शानदार कहानी है इसकी। तो अब पता चला रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू, थैंक यू, फिर आइएगा। तो ये तो पता चल गया कि तुम कुक करना जानते हो। लगता तो है। सुनो, लंबी लाइन देखकर ये तो समझ गया कि तुम अच्छा खाना पका रहे हो, और मैंने सोचा मुझे दुख हो रहा है, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तो तुम जियोवानी आकर मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? सच में? हाँ, लेकिन आपने तो मुझे निकाल दिया था। हाँ, सच कहूँ तो आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, और पूरे शहर में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं। तो क्या कहते हो? थैंक्स, लेकिन नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक बात कहूँ, मैं आ ही गया हूँ तो एक हॉट डॉग खिला ही दो, देखता हूँ इसमें ऐसी क्या खास बात है। क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लाइन से आना होगा। तुम मुझे जियोवानी को लाइन में खड़े रहने के लिए कह रहे हो? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी, हट जाओ मेरे रास्ते से। हे बॉयज, कैसा चल रहा है? बढ़िया, बिक्री काफी बढ़ गई है, आज की कमाई है, ये लो। ओहो, एक बात बोलूं, क्यों ना तुम सारे पैसे खुद ही रख लो। क्या, कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा पैसा है? देखो हेरल्ड, मैंने हिसाब लगाया और पिछले कुछ महीने की बिक्री को भी देखें तो तुम्हारे 20% से ही इस पूरे हॉट डॉग स्टैंड की कीमत निकल चुकी है, तो कंग्रेट्स, ये पैसे तुम्हारे हुए। एक मिनट, सच में? ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा, इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू आइवन, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, जितना पैसा तुमने मुझे कमा कर दिया है उसमें मैंने दो और हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिए हैं।
ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। शायद वो कहावत सही है, अगर हम औरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.